दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और स्मृति मंधाना के फैन हैं और उन्हें खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब जल्दी घोड़ी चढ़ेंगे यशस्वी जायसवाल। खुद स्मृति मंधाना ने किया सबसे बड़ा खुलासा। अफ्रीका के खिलाफ स्मृति मंधाना ने तूफानी बल्लेबाजी कर ठोका शतक और फिर भावुक मन से जायसवाल पर खुलेआम प्यार लुटाते हुए उन्होंने किया ऐसा खुलासा, मच गया स्मृति के चाहने वालों में हाहाकार। तो आखिर क्या यशस्वी जायसवाल करने वाले स्मृति मंधाना से शादी? कब ये दोनों कपल एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे? कब ये दोनों लव वर्ड कर रहे हैं विवाह? क्या कुछ स्मृति मंधाना ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान? ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और स्मृति मंधाना में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेलने के लिए बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफ्रीका को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब हुई। 55 रनों के ही स्कोर पर तीन बल्लेबाज पवेलियन चले गए, लेकिन स्मृति मंधाना एक तरफ से मैदान पर टिकी हुई थी। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए जा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर स्मृति मंधाना ने खड़ा कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। एक तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था, लेकिन स्मृति मंधाना मैदान पर अकेले टिकी हुई थी। ये हर अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना कर रही थी। भारत के स्कोर को 200 रनों के पार भी स्मृति मंधाना ने पहुंचा दिया और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना ने शानदार शतक ठोक कर नया इतिहास रच दिया और अफ्रीका के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य भी खड़ा कर दिया। स्मृति मंधाना की तूफानी बल्लेबाजी देख कर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। हर तरफ उनकी तारीफ होने लगी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की शुरुआत भी काफी खराब रही। 92 रनों के ही स्कोर पर अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन चले गए और देखते ही देखते स्मृति मंधाना की शतक की बदौलत टीम इंडिया ने मैच को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। भारत की जीत के बाद स्मृति मंधाना काफी खुश नजर आ रही थी। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अहम पारी खेलकर योगदान दिया, जिसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा यानी कि यशस्वी जायसवाल के साथ शादी को लेकर दे दिया है। और उन्होंने ऐसा बयान दिया कि बयान पूरे क्रिकेट जगत में वायरल हो गया और लोगों को काफी पसंद भी आया। तो चलिए हम आपको स्मृति मंधाना का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने जायसवाल के साथ शादी को लेकर खुलासा किया है। जी हाँ, स्मृति मंधाना ने जायसवाल के साथ शादी करने को लेकर कहा कि मैं अपनी टीम के लिए योगदान देकर काफी खुश हूँ। जिस तरीके से आज हमारी टीम ने जीत दर्ज की वो देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान थी। सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और भारत को हमने जीत दिलाई। मैं यशस्वी जायसवाल की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी बल्लेबाजी देखना मुझे काफी पसंद है। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। वो मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से वो शॉट लगाते हैं वो देखकर मैं भी सीखने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी हम दोनों काफी समय से एक अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। हम दोनों अपने अपने गेम पर फोकस करते हैं। उड़ती हुई अफवाहों पर हम लोग बिल्कुल भी नजर नहीं डालते। हम लोगों को सब पता है कि हम दोनों के बारे में क्या अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेल पर होता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से स्मृति मंधाना ने अपने और जायसवाल के रिश्ते पर खुलासा करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, विराट कोहली और स्मृति मंधाना में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है आपके हिसाब से? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जहां एक तरफ T20 विश्व कप का रोमांच अपने चरम सीमा पर है, वहीं साकिब अल हसन और वीरेन सहवाग के बीच हुए विवाद ने अब और तूल पकड़ लिया है। साकिब के अजीबोगरीब जवाब पर सानिया मिर्जा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऐसा सबक सिखाया कि पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। तो आखिर क्या है पूरा मामला साकिब और सहवाग का? कैसे साकिब के बयान पर भड़क उठी सानिया मिर्जा और कैसे सानिया ने अपने तीखे शब्दों से साकिब की कर दी बोलती बंद? सहवाग को कैसे साकिब ने दिया था जवाब जिसे सुनकर बौखला उठा था पूरा हिंदुस्तान? सहवाग के सपोर्ट में सानिया मिर्जा ने क्या कुछ कहा, यह तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप में इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा खेले जाने वाले बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर साकिब अल हसन अपने फॉर्म को लेकर इन दिनों आलोचकों के निशाने पर हैं। श्रीलंका के खिलाफ विकेट नहीं मिलने के बाद साकिब ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में दमदार वापसी की और अर्धशत की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला दी है। उनके इस प्रदर्शन को देखने के लिए साकिब को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच खत्म होने के बाद साकिब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेन सहवाग की ओर से की गई आलोचना के बारे में सवाल पूछा गया। साकिब इस सवाल पर भड़क गए और उन्होंने कड़ा जवाब दे दिया। गौरतलब है कि टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में गेंद और बल्ले से नाकाम रहने के बाद पूर्व कप्तान भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेन सहवाग ने साकिब की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, लेकिन अब नीदरलैंड्स के खिलाफ 46 गेंदों में
64 रन बनाने के बाद साकिब ने सहवाग की बातों का जवाब दिया है। अब साकिब अल हसन से पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कौन सहवाग, फिर उन्होंने कहा एक खिलाड़ी कभी भी किसी सवाल का जवाब देने नहीं आता, अगर खिलाड़ी बल्लेबाज है तो उसका काम टीम के लिए बल्लेबाजी करना और टीम के लिए योगदान देना है, अगर वह गेंदबाज है तो उसका काम अच्छी गेंदबाजी करना है, विकेट भाग्य के बारे में है, यदि वह फील्डर है तो उसे प्रत्येक रन बचाना चाहिए और जितना संभव हो उतने कैच पकड़ने चाहिए, यहाँ वास्तव में किसी के लिए जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। साकिब ने आगे भी कहा मुझे लगता है कि मौजूदा खिलाड़ी के लिए देखना महत्वपूर्ण है कि वह अपनी टीम के लिए कितना योगदान दे सकता है, जब वह योगदान नहीं दे सकते तो स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी और मुझे नहीं लगता कि यह कोई गलत बात है। इसके अलावा साकिब का यह एटीट्यूड और उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और सहवाग ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा इन दोनों के विवाद में कूद पड़ी और फिर साकिब अल हसन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए केवल उनकी बोलती नहीं बंद कर दी बल्कि पूरा बांग्लादेश में हड़कंप मचा कर रख दिया। इसके बाद तो सानिया का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, तो चलिए अब हम आपको सानिया का वह बयान और धमकी भी सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने साकिब को कहा है। साकिब अल हसन को धमकी देते हुए सानिया मिर्जा ने सबक सिखाया और कहा कि वाह साकिब आपसे उम्मीद नहीं थी, कौन सोच सकता है कि जो खिलाड़ी पिछले 17 सालों से क्रिकेट खेल रहा है उसे अपने सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान करना बिल्कुल नहीं आता, इससे घटिया हरकत और क्या हो सकती है, आपने पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया और जिस खिलाड़ी को पूरा क्रिकेट जगत पहचानता हो आप उसे पहचानने से इनकार करते हैं, यह आपकी घटिया हरकत किसी को पसंद नहीं आई, साकिब ने यह बिल्कुल भी सही नहीं किया, हो सकता है कि उनसे मिस्टेक हुई हो लेकिन उन्हें अपनी गलती के लिए सामने से आकर सहवाग और करोड़ों भारतीय फैन से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गलती नहीं बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे सानिया मिर्जा ने अपने तीखे शब्दों से साकिब अल हसन की बोलती बंद कर दी बल्कि पूरे बांग्लादेश में भी हड़कंप मचा कर रख दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिल पाएगी या नहीं, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों बारिश के बाद 5-5 ओवर के खेले गए मुकाबले में कनाडा को मिली शर्मनाक हार के बाद जहां एक तरफ कनाडा के सभी खिलाड़ी फूट फूट कर रो पड़े तो वहीं इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी काफी भावुक हो गए थे, लेकिन फिर भारतीय खिलाड़ियों के लिए कह दिया कुछ ऐसा जिसने जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर जस्टिन ने ऐसा क्या कुछ भारत को लेकर कहा, कैसे टीम इंडिया ने दर्ज की कभी ना भूलने वाली जीत, कैसे भारत ने कनाडा को 5 ओवर में ही ऑल आउट करके रख दिया और लिख दिया नया इतिहास, क्या कुछ कनाडा के पीएम ने कहा, ये तो हम आपको उनके बयान जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद अब अगली चुनौती भारतीय टीम की कनाडा के सामने थी। ये मुकाबला फ्लोरिडा के मैदान पर खेला जाना था, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर कोई इस मैच को शुरू होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ग्राउंड गीला होने के कारण मैच में देरी से शुरू होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन कुछ घंटे इंतजार किया गया, अंपायर ने डिसीजन लिया कि ये मुकाबला 20 ओवर का नहीं खेला जाएगा, फिर कप्तान से बातचीत की गई और मुकाबले को 5-5 ओवर खेलने का निर्णय लिया गया। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले कनाडा को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कनाडा की टीम ने भारत के सामने 5 ओवर में केवल 40 रन बना पाई और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। दोस्तों बारिश के बाद इंडिया और कनाडा के बीच हुआ 5-5 ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में ऐसा घमासान हुआ कि पार हुई रोमांच की सारी हदें। देख कर के दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे कनाडा ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ठोक डाले 89 रन, आखिर 30 गेंद में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे सूर्या के साथ मिलकर कोहली और ऋषभ पंत ने मचा दिया हाहाकार। अंतिम गेंद पर जब जीत के लिए चाहिए थे 5 रन, क्या ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी की तरह लहरा पाए हैं कनाडा के खिलाफ हिंदुस्तान का परचम। इस कांटे के मुकाबले के दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य पंत और कोहली में कौन सबसे बेस्ट T20 खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि टीम इंडिया जहां पहले ही टॉप 8 में क्वालिफाई कर चुकी है, वहीं लीग स्टेज का अपना अंतिम मैच खेलने के लिए वह कनाडा के खिलाफ फ्लोरिडा के मैदान पर उतरे थे, लेकिन बारिश के कहर के चलते 8 बजे से शुरू होने वाला यह मुकाबला रात 9 बजे तक भी शुरू नहीं किया जा सका। इसके बाद फैंस को यह डर सताने लगा कि कहीं पिछले मैच की तरह यह मुकाबला भी बिना एक गेंद फेंके रद्द न हो जाए। लेकिन सलाम है एम्पायर और दोनों कप्तानों को, उन्होंने सलाह मशवरा कर फैंस की भावनाओं की कदर करते हुए बारिश के बाद 5-5 ओवर का एक रोमांचक मैच करवाने का निर्णय लिया। जी हाँ दोस्तों, मैच को मात्र 5-5 ओवर का करवाया गया, जहां इस मुकाबले में कनाडा के कप्तान साद बिन जफर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और कनाडा के लिए पहले बल्लेबाजी करने के लिए खुद आरोन जॉनसन के साथ नवनीत धारीवाल उतरे। उनसे उम्मीद थी कि उन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 ओवर में जितने ज्यादा रन वह भारत के सामने बना सके उतने ही जीतने के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन यहां पर धारीवाल के रूप में पहला झटका पहले ही गेंद पर कनाडा को लगा।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर धालीवाल अर्शदीप की गेंद को समझ नहीं सके, जिनका फील्डर ने एक आसान सा कैच लपका और इस दिग्गज गेंदबाज ने बहुत जल्द पहला झटका कनाडा की टीम को दिया।